इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र में एक दिन पहले हुए अंशु शर्मा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक युवती अंशु के शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के बाद जानकारी साझा करते हुए गले में जंजीर के निशान और शरीर पर धारदार हथियार के जख्मों की पुष्टि की है। साथ ही आरोपी पति हर्ष शर्मा को नशे का आदि बताते हुए अन्य कई जानकारियां साझा की है। अभी जो हम लोगों ने हत्या में जांच चल रही थी उसमें सबसे पहले मत कायम किया गया था जो मृतिका है उसकी माता की तरफ से, परिजनों की तरफ से। हम लोगों ने उनको समय दिया था ताकि वो परिजन उनके कथन दे सकें। आज उनकी माता ने आके कथन दिया। उनके हिसाब से उनका ये कहना है कि ये जो आरोपी है, आरोपी शुरुआत से ही गुस्सैल था। शादी के बाद उसने काफ़ी झगड़े भी होते थे उसकी पत्नी से, और शराब पी के उसको गाली गलौज करना, इस तरीके की हरकतें होती रहती थी। और शुरुआत से ही इसका ये आदत था कि वो किसी से बातचीत नहीं करने देता था, इसका माँ से भी बातचीत नहीं हो पाती थी। अभी तक यही निकल के आया है कि शायद ये जो घटना को अंजाम दिया गया है ये गुस्से में आके नशे की हालत में किया गया है। एक तो धारदार वस्तु, जैसे कि चोट दिख रही है, धारदार वस्तु और एक जानवर की जो चेन होती है कुत्ते की, उसके गले में निशान है। मैम, किसी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का ये रिलेटिव भी बताया जाता है आरोपी, ऐसा कुछ जानकारी आई है? ऐसी जानकारी अभी तक ना उनकी माता ने बताया हमें, ना परिजन जो आरोपी है उन पक्ष से। अगर वो संबंधित होंगे तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, पर उसका इस केस से तो कोई संबंध वैसे भी नहीं होगा। अभी तो जो हमारे कथन हुए, अभी तो जो उनकी माता जी ने कहा, उनका ये कहना है कि शादी के बाद से किसी से भी बात नहीं हुई है। अंशु की जो मृतिका है, मृतिका की अभी तक किसी से भी बात नहीं हुई थी शादी के बाद से, जो 2-3 महीने का पीरियड है, तो ऐसा कोई बात अभी तो उन्होंने संबंध में नहीं बताई है। महिला के ऊपर प्रकरण दर्ज नहीं था। महिला को ये भगा कर ले गया था शादी करवाने की, शादी जब इन्होंने भाग के की है तो गुमशुदगी की जरूर वहाँ पर दर्ज थी, परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।